20 रुपए देकर शेयर रिक्शे में जा नहीं सकते। हर लड़के को बस यूज करना चाहती हैं। लिफ्ट चाहिए तुम लोगों को? फुट लो यहाँ से। भगवान करे तेरी बाइक पंचर हो जाए। सिर्फ मुझे देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? क्या शादी? सोने का रेट गिरने तो ना सोना, ना ही रेट गिरेगा और ना ही ये कुछ बोलेगा। डार्लिंग, हाँ? तुमने मुझ में क्या देखकर मुझसे प्यार किया? कुछ देखा नहीं ना, तभी तो तुम्हें प्यार कर रहा है मेरी प्यारी। तुम्हें मुझ में जो कुछ पसंद है बता दो, मैं सब दे दूंगी। तुम्हारी खूबसूरत मुस्कान बहुत पसंद है, एक बार मुस्कुरा दे ना डार्लिंग। यहाँ इस होटल में कोई ओनर वेटर काफी मास्टर नहीं है क्या? अरे सब है ना, ये ओनर है और ये वेटर और उधर देखो मास्टर जी। अच्छा और तू क्या है? पार्टनर। अच्छा तो तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? है ना, क्यों नहीं है? अच्छे से देख उधर। नहीं वो मेरा है। नहीं वो मेरा है। छोड़ दो। तो फिर वो दोनों आपस में क्यों झगड़ रही है? वो लोग चुड़ैल की तरह इसलिए लड़ रही कि आज मेरे साथ पूरा दिन कौन बिताएगी। अच्छा तो तेरी ये हाइट देखकर? अच्छा तो तेरी हाइट देखकर लड़कियाँ गिरेगी? अरे बाप रे, ये होटल तो मुझे पागल खाना नजर आ रहा है और तू सबसे बड़ा पागल दिख रहा है मुझे। क्या रे, बिजनेस कैसा चल रहा है? तू अपना ही बिजनेस खत्म करेगा तो अपना बिजनेस चलेगा ना भाई। तुम्हें अपने बिजनेस पे जरा भी ध्यान नहीं है, अभी तक बोहनी भी नहीं हुआ है। अगर जय होता तो बोहनी भी हो जाती। जय 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 कहाँ गया? So good. ₹20 देकर शेयर रिक्शे में जा नहीं सकते। हर लड़के को बस यूज करना चाहती हैं। लिफ्ट चाहिए तुम लोगों को? फुट लो यहाँ से। भगवान करे तेरी बाइक पंचर हो जाए। शिट। तुम्हें अच्छा लगा ना? लेके जाना तो तुम्हारे लिए लेके आया। क्या सोच रहे हो दोस्त? कुछ नहीं यार, बस सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। आईफोन बहुत मस्त है, तुम्हें भी खरीदना है क्या? डार्लिंग आईफोन खरीद लूं क्या? बहुत अच्छा फोन होता है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं उसमें। अरे हाय जय, क्या हो गया? पंक्चर हो गई यार। कहाँ से आ रहा है तू? इंटरव्यू से। नौकरी मिली क्या? नहीं मिली कमबख्त। कहीं किसी लड़की ने तेरा इंटरव्यू तो नहीं लिया था? लड़कियों के अलावा कुछ सोचता है तुम लोगों को? निकम्मे कहीं के। भाई प्यार कर ले, लाइफ मस्त हो जाएगी तेरी। लाइफ इमरान हाशमी की फिल्म जैसी हो जाएगी। तुझे ऐसा लगेगा कि लैला मजनू के साथ डांस कर रही है। 20-20 मिनट में ऐसा लगेगा ताज़ा नस्कर किया है किसी ने। अरे यार, इंसान जब प्यार में होता है ना तो ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है। सही कहा भाई। अरे भाई सुन सुन सुन, प्यार कर। प्यार करेगा ना तो तेरी जिंदगी भी हमारी तरह रंगीन हो जाएगी। एक बार प्यार करके देख यार, तेरी लाइफ भी झिंगालाला हो जाएगी। ओहो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब इसे यहाँ किसने रख दिया? अब ठीक है। ये फ्लावर पॉट किसने रखा है यहाँ पर? हाँ? जरा भी अकल नहीं है, हर काम मुझे ही करना पड़ता है। हाँ हाँ, तुम्हारे रिश्तेदार स्कूल खोल रहे हैं ना, तो तुम अकेले ही जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। पिछले साल मेरे मामा मर गए थे, तब तुम्हारे घर से कोई भी आया था क्या वहाँ? इस बार अपने घर वालों को कहो वो जाएं। हाँ, तुम जाओगे तो मेरे घर वाले जाएंगे क्या? उस उद्घाटन में तुम अकेले ही जाओ। मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर हूँ, मेरे पास फुर्सत कहाँ है? ओहो, बहुत बड़े लॉयर हो तुम। काला कोट लटका कर जाते हो और मुँह लटका कर वापस आ जाते हो। आज तक एक भी केस जीता है तुमने? आए बड़े लॉयर बनने वाले। अरे जीतूंगा कैसे, मेरी सारी एनर्जी तो घर में तुमसे लड़ने में चली जाती है। कोर्ट में क्या लड़ूंगा, और तुम्हें कोर्ट में कैसे लड़ना है ये तो पता नहीं है, इसलिए घर में मेरे साथ लड़ती रहती हो। ए जय, हाँ? कहाँ चला गया था तू? अरे तेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है। क्या ट्रेन टाइम मतलब? अरे मेरे बचपन का दोस्त है, गांव में स्कूल की ओपनिंग करवा रहा है, वो बोन स्पेशलिस्ट है, उसके घर पे जाना है तुझे। ये आदमी रिश्ते में मेरा क्या लगता है पापा? बेटा वो मेरे पिताजी के चाचा के मामा जी के ताऊ जी के बहन का भाई है। अगर रिश्तेदार के बारे में बताते रहेंगे तो सालों बीत जाएंगे। पता है, बहुत ही करीबी और खास रिलेशन में है वो। तुम अपना मुंह बंद रखो और तू ये टिकट पकड़। क्यों जी, बच्चे के सामने क्यों चिल्ला रहे हो मुझे? जोर से चिल्लाऊंगा नहीं तो क्या करूं? धीरे से बोलूंगा तो सुनोगी क्या? वो कौन है ये नहीं बता रहे हो, बस रिश्तेदार है रिश्तेदार है। बेटा 15 मिनट में ट्रेन निकल जाएगी, जल्दी जाओ। 15 मिनट में कैसे पहुंचूंगा पापा? कैसे भी पहुंचना होगा बेटा, दूर के रिश्तेदारों को नजदीक लाने के लिए टाइम पर पहुंचना होगा, जल्दी से जाओ। अरे जाओ ना। जा रहा हूँ ना। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम जाने वाली गोदावरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाने के लिए तैयार है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम जाने वाली गोदावरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाने के लिए तैयार है। थैंक्स कैसी है जय? मेरा नाम आपको? सिर्फ आपका नाम ही नहीं, सारी डिटेल्स की भी डिटेल्स मुझे पता है। आपका नाम जय है, घर में सब आपको जीतू बुलाते हैं, आपकी एज 23 है, बर्थ नंबर 20 है और आप सिकंदराबाद से राजमंड्री जा रहे हो, है ना? और भी डिटेल्स चाहिए क्या जीतू जय? तुम्हें फेस रीडिंग आती है क्या? रिजर्वेशन रीडिंग आती है। मैं यहाँ आपसे पहले आ गई थी, मैं देखना चाहती थी कि मेरी सीट के बगल में कौन है, तो चार्ट में आपका नाम देखा, आपकी एज देखकर मैं समझ गई कि आप ही जय हो। तुम ट्रेन के छूटने के वक्त कहाँ चली गई थी? अरे इस बेबी को कोक चाहिए था और पूरे स्टेशन में कहीं मिला ही नहीं तो मुझे बाहर जाना पड़ा। आओ ये लो। थैंक यू दीदी। मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, किस चाहिए? ये बच्ची तुम्हारी कौन लगती है? ये बच्ची मेरी कोई नहीं लगती। कोई नहीं लगती? एक अनजान लड़की के लिए इतना बड़ा रिस्क, अगर ट्रेन छूट जाती तो? छूटती तो छूटती, महालक्ष्मी से कोई हेल्प मांगे तो मैं कोई भी रिस्क ले लेती हूँ, फिर मैं इधर उधर नहीं देखती। ये महालक्ष्मी कौन है? क्या? अरे मैं ही तो हूँ। आप अपना फोन देंगे क्या? हेलो, आप अपना फोन देंगे क्या? फोन किस लिए? मेरे फोन की बैटरी डाउन है ना। थैंक्स। स्मार्टफोन, वाईफाई, ट्विटर, फेसबुक, इसमें तो सब कुछ है। अगर ये है तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। हेलो हेलो, एक नंबर बोल रही हूँ, नोट करो दीदी आप। हाँ बोलो, लिखो 9133575859। 575859। ये तो फैंसी नंबर लग रहा है, किसका है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का? नहीं, बॉय है लेकिन फ्रेंड है। चुपचाप जो बोला है वो कर। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, मम्मी से बोलना इसी नंबर पे फोन करें, ठीक है ना? चल बाय। ठीक है दीदी, थैंक्स। आपका और मेरा नंबर सेम है, एक ही नंबर से स्टार्ट होते हैं, 9 से। Just chill. Hey, क्या तुम मुझे अपनी साली आधी घरवाली समझ रहे हो? हाय रब्बा, कितनी रंगीन जोड़ियां हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। Made for each other. अरे नोच क्यों रही हो? Just chill. नहीं तो गाल नोच के दिल का तिल दिखा दूंगी। बड़ा फ्रेश लग रहा है। देना। ये लो पकड़ो। Thanks. रात में जल्दी से सो जाना, मैं सपने में आऊंगी। Just chill. तो क्या सोचा है? रात में जल्दी सो जाना, वो सपने में आएगी। अरे क्या तुम भी? Just chill. हो जाएगा सबको, तू चिंता मत कर। वेटिंग लिस्ट में है ना? ये लो वेटिंग लिस्ट है, कब मिलेगी सीट? सारी सीट फुल है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एमएलए को फोन लगाऊं, एमपी को फोन लगाऊं या रेलवे मिनिस्टर को फोन लगाऊं? सीएम से भी करवाओगे तो भी नहीं होगा। क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम गलत ट्रेन में चढ़े हो। ये गौतम नहीं है क्या? नहीं, ये गोदावरी है। फाइन भरो और अगले स्टेशन पर उतर जाओ। सर 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 प्लीज सर सर जवान सबको जानते हो ना, एमएलए को जानते हो, एमपी को जानते हो और आखिर में हमारे रेलवे मंत्री को भी जानते हो, लेकिन कौन सी ट्रेन में चढ़नी ये नहीं जानते हो। चलो फाइन भरो। अरे तू रुक यार, देखता हूँ अगर कहीं खाली होता है तो। तुम इधर बैठ जाओ, कंफर्म होने को बताता हूँ। कॉफी? हाँ मैडम। कॉफी पियोगे ना? ओ नहीं पियोगे? वन कॉफी लीजिए मैडम। थैंक्स। हाँ गरम कॉफी, गरम कॉफी, गरम कॉफी, कॉफी कॉफी कॉफी, अरे कॉफी कॉफी, कॉफी वाला। बुक पढ़ना आपको अच्छा लगता है क्या? वैसे इतना ज्यादा भी नहीं, पर जर्नी भी पढ़ना पसंद है। वैसे एक बुक है जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। कौन सी बुक? मेरे डैडी की चेक बुक। कौन है? मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड का है तो फोन उठा सकते हो ना? उठाने से अच्छा तो चुपचाप बैठना है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा क्या करता है वो? इंसान के पास लाखों करोड़ों नहीं, लाभ होना चाहिए। बाहर में ब्रांड और बगल में अच्छी फिगर होनी चाहिए। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला है तेरे लिए गर्लफ्रेंड सेट करने के लिए। जानू किधर है वो? वो रही। हाय हाय, शी इज माय फ्रेंड गीता। ही इज माय फ्रेंड जय। हाय जय। हाय जानू, हम लोग चले? ऑर्डर प्लीज सर। 2 कोक। 2 कोक क्यों? पैसे क्यों वेस्ट करना? तुम एक काम करो, 1 कोक में 2 स्ट्रॉ डाल के ले। आईमैक्स में बहुत अच्छी फिल्म लगी है, चले? आईमैक्स में? वो किस लिए? वही फिल्म चंदन थिएटर में लगी है। आईमैक्स में जो टिकट का रेट है उसमें चंदन में दोनों का हो जाएगा, क्या बोलते हो? सच में गीता बहुत अच्छी है और उसकी सोच भी। देखते हैं आगे क्या होता है। रुको रुको, वो देखो 50% ऑफर। मैडम इट्स क्लोजिंग टाइम, प्लीज जल्दी कीजिए। इतनी जल्दी? अभी तक मेरी शॉपिंग आधी भी नहीं हुई। अब नहीं हो सकता मैडम। 95,000 रुपीज सर। थैंक यू सर। जो लड़कियां मिलती है जरूरी नहीं कि उसका ब्रांड हो, बैंड भी बजा सकती है। अब मेरी एक बात सुन, जैसे हर कॉफी एक जैसी नहीं होती वैसे ही हर लड़की एक जैसी नहीं होती। तू टेंशन मत ले, लड़की तेरे लिए मैं ढूंढूंगा मैं। हाँ। सच बोल रहा है? और नहीं तो क्या मेरे भाई, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ वो अपने हाथ से करेगी, वो तुझे बैठा के खिलाएगी। और नहीं तो क्या। कौन है वो लड़की? नाम है श्रीवली, हमारे घर के बगल में है उसकी गली। ओनली 1 डॉटर, करोड़ों में बेटर। सीज बेटर। उससे सेटिंग कर ले, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो बहुत चालाक थी, लेकिन वर्षा तो मासूम है। जब से मुलाकात हुई है 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। बस जिंदगी भर मेरे वॉलेट का ख्याल रखे। लिली क्या है? प्लीज लिली चल जाना। छी मैं जा रहा हूँ। Come on, come on, dance. ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। आजकल तू उसके साथ कुछ ज्यादा ही घूम रही है। रोज उसका सारा खर्चा तू ही उठाती है। इसका मतलब तू उससे प्यार करती है? क्या पागलों जैसी बात कर रही है? मैं तो सिर्फ तुझसे प्यार करती हूँ, तू जानती है ना। ये सोसाइटी हमारे प्यार के रिलेशनशिप को समझे तब तक हमें ये तकलीफ उठानी होगी, इसलिए मैं उस पर खर्च कर रही हूँ। उसे मेरा प्यार चाहिए पर मुझे तेरा प्यार चाहिए। तू समझने की कोशिश करना, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी हूँ। I love you. I love you. तुम मुझ पर ऐसे शक मत किया कर। तुझे पता है ना मैं तुझसे प्यार करती हूँ। दुखी मत हो। दुख हमारे जैसे प्रेमी को नहीं होगा तो क्या दीपिका और रणवीर को होगा? बोल ना। कौन है तू? तुझे उसने छोड़ दिया और लिली ने मुझे छोड़ दिया। जब वो दोनों एक हो सकते हैं तो हम दोनों एक क्यों नहीं हो सकते? तू लिली का दोस्त है? दोस्ती नहीं दोस्ताना। आपकी लव स्टोरी तो बहुत ही फनी है। मेरी ट्रेजेडी आपको बहुत कॉमेडी लग रही है ना? आप भी तो एक लड़की ही हो ना? यहाँ बैठे क्या? Hello. Hi. I don't need too much, just somebody to love. फोन आपके लिए नहीं, मेरे लिए है। ए भाई, बाहर के अंदर एक मस्त लड़की बैठी हुई है, मैंने दोस्ती भी कर ली है। नाम है सीमा। बहुत मस्त आंखें है उसकी, मुझे लगता है तेरे लिए सही मैच होगा। बोल तो फिक्स करूं? ए, पहले तो फोन रख। अरे बहुत अच्छी लड़की है यार। हफ्ते में 2 बार बार में आती है। दारू सिगरेट पत्ते इसके अलावा कोई भी बैड हैबिट नहीं है। सच बोल रहा हूँ, तेरी कसम। मेरे लिए ही है। अरे बोलना भाई क्या है? अरे तेरा और सीमा का कॉकटेल जो है ना एकदम मस्त होगा यार। अगर दोबारा फोन किया ना तो जान से मार दूँ। सीमा कौन है? किस सीमा की बात कर रही हो? वही रॉयल वाली सीमा। आपने सुन लिया? आप ही ने तो बीच में 2 बार फोन को कान से हटाया था। ओह। हाँ बोल। जर्नी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी है। तेरे सामने खूबसूरत लड़की है क्या? अगर ऐसा है तो अगला स्टेशन आने से पहले तुम अपना फोन जेब में डाल दे। डाल दे। लड़की पटाने की जगह फोन पे लगा बैठा है। इमली के पेड़ देखो। आपको इमली बहुत पसंद है क्या? सिर्फ पसंद नहीं, चांद से ज्यादा इतनी ज्यादा पसंद है तो जाकर ले आओ ना। चलती हुई ट्रेन से भला कैसे ला सकता हूँ, पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ सच में, रनिंग ट्रेन है ना। बेचारा सीमा और इमली दोनों पसंद है मगर दोनों नहीं मिल रहे हैं। आप मजाक उड़ा रही हो ना। जस्ट चिल। हे गन्ने के खेत। अरे यहाँ चेन किसने खींची? मैंने खींची। क्यों खींचा बताओ? तुम्हारे गले से किसी ने चेन खींचा क्या? अरे ये गन्ने के लिए खींची। व्हाट? एक मामूली गन्ने के लिए चेन खींच डाला? कभी भी कहीं भी तुम ऐसे कैसे चेन खींच सकती हो? ये बस नहीं ट्रेन है, फाइन भरना पड़ेगा। 1500 रुपए निकालो। ओके ये लीजिए। चेन खींचना तो आजकल फैशन हो गया है। हाँ? सिर्फ 15 रुपए के गन्ने के लिए आपने 1500 रुपया फाइन भर दिया। जब दिल करे तभी वो चीज खानी चाहिए, फिर चाहे वो 15 की हो चाहे 1500 रुपए की। अगर बाद में वही चीज खाओ ना तो मजा नहीं आएगा। हुँ? इस गन्ने की कीमत भले 1500 हो लेकिन इसका टेस्ट अनमोल है। बहुत मजा आ रहा है, आप भी खाओ ना। इतना कॉस्टली गन्ना मुझे नहीं चाहिए। तो 1490 देकर खरीद लो। लगता है अभी आपका फोन है। हेलो माँ, क्या कर रही है? कुछ खा रही है या फिर अपने बगल वाले का दिमाग खा रही है? अकेली सफर कर रही है, जरा संभल के रहना। खिड़की बंद कर ले और फैन ऑफ कर ले। मैंने जो कहा वो ठीक से करना और लाइट को ऑफ बिल्कुल मत करना। चादर से अपने आप को ढक लेना ताकि कोई देख ना पाए। और आधी रात में बाथरूम मत जाना। जाना है तो अभी चली जाओ, रात में चोर होते हैं। और ये बताओ ये फोन वाला लड़का अच्छा है कि नहीं? वो अच्छा है या बुरा है हमें कैसे पता चलेगा? चेहरे से थोड़ी पता चलता है। अब गप्पे मारना छोड़ के चुपचाप सो जाओ। सो जाओ मतलब घोड़े बेच के मत सोना, कच्ची नींद में ही सोना, ठीक है ना? मैंने जो कहा तुझे समझ में आया ना बेटा? चल बाय। थैंक्स। आपने तो फोन पर एक भी शब्द नहीं बोला। उस तरफ मेरी माँ थी ना, एक बार शुरू हो जाती है तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। ओह आई थिंक आपकी माँ भी बिल्कुल आपकी तरह होगी। कुछ भी मत बोलो, मेरी आदतें माँ को नहीं लगी है, माँ की आदतें मुझे लगी हैं और माँ को नानी की आदतें लगी हैं। हाँ हाँ समझ गया। और ये बताओ ये फोन वाला लड़का अच्छा है कि नहीं? अरे ये क्या, आपने अपना हाथ बाहर क्यों रखा है? चेक कर रही हूँ आप अच्छे लड़के हो या नहीं। अरे कमाल है, हाथ बाहर रखेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर 1 मिनट में बारिश हो गई तो आप अच्छे हो, नहीं हुई तो बुरे हो। आप जितना सोच रही है उतना भी बुरा नहीं हो। अपना हाथ अंदर ले लीजिए नहीं तो कोई सिक्का रख देगा। हाँ, हाँ? मैं बचपन से ये ट्रिक करती आई हूँ। जब 10th के मैंने एग्जाम्स दिए थे ना और रिजल्ट आने वाला था तब। हे भगवान भगवान प्लीज मुझे पास करवा दीजिए प्लीज, मैंने बहुत मेहनत की है भगवान, बहुत मेहनत से चीटिंग करके कॉपी किया है। प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मुझे पास करवा देना प्लीज भगवान प्लीज। ऐसा कहती हूँ बारिश से पूछती हूँ, अगर 1 मिनट में बारिश हो गई तो मैं पास हो जाऊंगी और अगर नहीं हुई तो। तो तुम एग्जाम में पास हो गई थी। आपके टैलेंट से लगता है कि आप स्टेट में फर्स्ट आई होंगी, करेक्ट? स्टेट में फर्स्ट आती तो पेपर में छपता ना। मतलब बारिश? दीदी बारिश नहीं गिरी क्या? गिरी ना, पूरे 4 महीनों के बाद। वेरी गुड मॉर्निंग महालक्ष्मी जी। नमस्कार। लेकिन ये क्या है, एकदम मॉडर्न महालक्ष्मी से संस्कारी महालक्ष्मी कैसे बन गई? मजबूरी है। कुछ देर में राजमंड्री स्टेशन आने वाला है और मुझे रिसीव करने के लिए घर वाले आने वाले हैं। अगर उन्होंने मुझे मॉडर्न ड्रेस में देख लिया ना, मैं तो गई। ठीक से लगा है ना? एक मिनट। हाँ, ये देखिए। थैंक्स। एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। दे 10 रुपया दे। भूख लगी है बाबा, तू जल्दी से धर्म कर दे। तुझे ऋतिक रोशन आशीर्वाद देगा। अभी तू 10 रुपया देगा तो तुझे सलमान खान आशीर्वाद देगा। अभी तू 10 रुपया देगा तो शाहरुख खान तुझे रोमांस सिखाएगा। तो है शाहरुख के फैन, हम सब रोमांस सीखेंगे। अभी तू 10 रुपया देगा तो इमरान हाशमी जैसा चुम्मा ले पाएगा। पर ये क्या, भगवान के गाने छोड़ के आइटम सॉन्ग गा रहे हो? भगवान के गाने गाता ही कौन है आजकल? तो पूजा के दौरान भी पता है कौन से गाने चलते हैं? वो हम्मा हम्मा चुम्मा चुम्मा दे दे बाबा, आजकल यही गाने चलते हैं। नवरात्र में कौन से गाने चलते हैं? परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। अरे भैया, प्रभु अल्लाह भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो। आपकी बीवी खुश रहेगी। किधर देख रहे हो? उधर बैठी है। अच्छा ठीक है, 250 रुपए दे दो। पुण्य कर दो बाबा। मेरी अब तक शादी नहीं हुई है। अरे 250 तो दो, इतने में ही पुण्य होता है। अरे अम्मा आप ही दे दो, क्या कर रहे हो, जल्दी करो। जाओ यहाँ से। इतने पैसे तो ठीक है, चल जाएगा काम। जस्ट चिल बाबा। बाबा कुछ देर पहले का औरत आई थी, वो तू तो नहीं है? अरे अंधे को औरत बोलेगा, तेरी आंखें चली जाएंगी। सोच समझ कर बोला करो। सीसीटीवी लगा है, ऊपर वाला देख रहा है। मेरी पूरी फैमिली ट्रेन में ही चलती है। माँ साफ सफाई करती है, बाप बेवड़ा है, दीदी भी छड़ गई और मैं बचपन से इसी तरह से भीख मांग रहा हूँ। जस्ट चिल बाबा। 250-500 दे दो, अपने पाप धुलवाओ। 200-500 अब 2000 का है, जल्दी से दे दो अगर पुण्य कमाना है बाबा। ये आप क्या कर रही हो? लाइफ जैकेट निकाल रही हूँ। कुछ देर में गोदावरी का ब्रिज जो आने वाला है। हाँ तो? ट्रेन ब्रिज से जा रही होगी और ट्रेन नीचे गिर गई तो आप सब तो बच जाओगे, लेकिन मेरा क्या? मैं अकेली मर जाऊंगी ना। क्यों? जब मैं छोटी थी तो एक स्वामी जी ने कहा था कि मैं पानी में डूब कर मरूंगी। छोटे स्वामी जी? मजाक मत करो। हाँ खिड़की बंद कर दीजिए ना प्लीज, ब्रिज आने ही वाला है। प्लीज प्लीज सब विंडो बंद कर दीजिए ना, प्लीज प्लीज विंडो बंद कर दीजिए, प्लीज प्लीज जल्दी। हे कहाँ जा रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं, ट्रेन को बीच में रोककर एंजॉय करना चाहता हूँ। फाइन भले कितना हो, मैं चैन खींचने जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। अरे प्लीज, आपने तो कहा था महालक्ष्मी जी, दिल में जो आए वो सीधे कर देना चाहिए, बाद में वो फीलिंग नहीं आती है ना। दिमाग खराब है मेरा, इसलिए बोला था, अब कभी नहीं बोलूंगी। प्लीज 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 ऐसा मत करो, प्लीज 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 चेन मत खींचो प्लीज। गोदावरी जा रही है, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। छोड़िए ना, मत करो ना, प्लीज प्लीज छोड़िए, प्लीज मत करो। अरे छोड़ो ना मेरा हाथ, प्लीज छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी प्लीज। यार ये तो बहुत बुरा हुआ, देखो गोदावरी निकल गई। महालक्ष्मी जी मैं जो कह रहा हूँ एक बार सुनिए तो ना। मुझे कुछ सुना है ना ही बोलना। महालक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी मुझसे बात मत कीजिए। ए, हेलो, एक्सक्यूज मी। ए, तू? हाँ, उधर भी मैं और इधर भी मैं। जस्ट चिल मैन। एक्सक्यूज मी, इससे ज्यादा अंग्रेजी अपने को नहीं आते। चलो बेटी, तुम्हारे फ्रेंड की शादी अच्छे से हो गई ना? सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? लोगों को इनसे तकलीफ होती है, इनको किसी से क्या तकलीफ होगा मामा? और क्या? चलो दीदी 9133575859 फुल टॉक टाइम। हाँ मार खाएगी तू। एक मिनट। कौन चाहिए बेटा? अंकल वो यहाँ फंक्शन। फंक्शन यहाँ नहीं है बेटा, फंक्शन तो हॉल में रखा है, सब लोग वहीं पर गए हैं। क्या तुम गांव से आ रहे हो बेटा? हैदराबाद से। किसके बेटे हो? मैं लॉयर विश्वनाथ का बेटा हूँ। अरे वाह वाह वाह, हमारे विश्वनाथ का बेटा इतना बड़ा हो गया। तुझे बचपन में देखा था, अब तू कितना बड़ा हो गया। विश्वनाथ की तरह ही शेर लगता है, वो भले शेर है लेकिन तेरी माँ के सामने भीगी बिल्ली रहता है। ठीक है चल रेडी हो जा, फंक्शन में चलते हैं। ना ना ना, ये है तेरा रूम। जब मैं तेरी उम्र का था ना बेटा तो इससे भी बेहतरीन सेंट यूज करता था। ये ले पकड़, जल्दी तैयार हो जा। बोल क्या है? सुन भाई, प्यार हो गया मुझे। सच में मुझे सीरियसली प्यार हो गया। तेरी डेटिंग हुई कि नहीं? ऐसी बात नहीं है, जर्नी में मिले थे लेकिन स्टेशन पर जुदा हो गए। अरे जब लड़की जा रही थी तो तू क्या कर रहा था? मोगरे के फूलों की खुशबू ले रहा था। अरे जब आदमी है तो दारू की खुशबू लेनी चाहिए थी ना। एक तू है कि मोगरे के फूल की खुशबू ले रहा था। वैसे तुझे मोगरा का फूल कहाँ से मिला? जर्नी में जो लड़की मिली थी उसके बालों से ये गजरा गिर गया था। लगता है भाई तुझे प्यार हो गया है, तभी तुझे वो फूल इतने प्यारे लग रहे हैं। जब किसी से प्यार होता है ना तो उसकी हर चीज प्यारी लगती है। तुझे सच्चा वाला प्यार हो गया मेरे भाई। अब तू अपनी फीलिंग को छुपा मत। पिया हुआ इंसान सच बोलता है। अब तो तू दिन में भी सपने देखेगा, तुझे ऐसा लगेगा कि तू हवा में उड़ रहा है। तेरे मामा भी किसी से कम नहीं है। इसी हॉल में फंक्शन रखना है ये ठान लिया था उन्होंने। ये वृंदावन गार्डन है ना, यहाँ 4-5 फंक्शन तो हमेशा चलते रहते हैं। सारे बड़े लोग यहीं पर फंक्शन रखते हैं। इसीलिए तेरे मामा भी जिद पर आ गए कि अपने नाती के लिए मैं भी इसी हॉल में फंक्शन रखूंगा। देखा ना कितना बड़ा फंक्शन रखा है। अरे जय, कैसे हो? अच्छा हूँ। तुम्हारे पिताजी नहीं आए क्या? वो थोड़ा बिजी है। मैंने तो सोचा उनके पास कोई केस नहीं है ना, वो अपने घर में फंक्शन की तैयारी कब कर रहे हैं। देखो बेटा तुम्हारे भैया आए हैं। देखो देखो। देखा अरे एक मिनट जाए से पकड़ी तो। वॉशरूम उस तरफ है। अरे मैं तो सोचता था कि तू सीधा साधा होगा, तू तो बहुत ही बदमाश निकला। हाँ ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेन में जो हुआ उसका बदला लेने आया है? शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता कि बदला लेगा। दीदी, आपके नेटवर्क को तो कोई फॉलो कर रहा है। तू अपना मुंह बंद रख, मैंने कब का उसे देख लिया है। इसका मतलब है सिग्नल पहले से ही मिल गया। मुंह बंद करना। महालक्ष्मी जी, दीदी कॉल कर रहा है। महालक्ष्मी जी, तुझसे कहा ना चुप रहे। महालक्ष्मी जी सॉरी। हाँ, सॉरी बोलने के लिए तुम यहाँ तक आए हो? मुझे बस कोई सॉरी बोल दे, फिर चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, ये महालक्ष्मी उसे माफ कर देती है। पता है महालक्ष्मी का दिल बहुत बड़ा है। चलो मेरे साथ। मेरे मम्मी पापा है और ये छोटी बहन है जो कल नंबर नोट कर रही थी, ये वही है। मुझसे भी ज्यादा तेज है ये। इतनी तेज है ना कि पूछो मत। 10 रुपए के रिचार्ज में ये फुल टॉक टाइम जितनी बात कर लेती है। ओहो दीदी क्या। और जय पता है ये कौन है? ट्रेन में तुमने कहा था ना मेरी आदतें माँ की तरह है, ये वही है। द ग्रेट महालक्ष्मी की ग्रेट मदर है। देखा ना आपने माँ, इन्हें लगा था आपकी आदत मेरी तरह है, क्या पता कि मेरी आदत आपकी तरह है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ये मेरे पापा हर्षचंद्र प्रसाद। नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये जबान के पूरे पक्के हैं। बेटा टाइम हो रहा है, चले। अगर किसी ने सफर में किसी को हम सफर बना लिया तो उसके प्यार की गाड़ी समझ लो चल पड़ी। सही तू ग्रेट है, कांग्रेट्स। अरे भाई तूने उसमें ऐसा क्या देखा? फूल सुन के प्यार में पड़ गया, ऐसा बोलना। फूल सुन कर भी प्यार हो जाता है क्या? अपना दिल लेकर यही बोलना चाह रहे हैं। दिल चुराने वाली लड़की का नाम क्या है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी नाम तो अच्छा है, तेरा प्यार भी अच्छा है। अगर तुम दोनों शादी कर लोगे ना तो जोड़ी अच्छी रहेगी। वो मेरी किस्मत में नहीं है। क्या हुआ रे? मेरी आंखों के सामने उस लड़की की एंगेजमेंट हो गई। अरे फिल्मों में हीरो एंगेजमेंट की हुई लड़की से भी शादी कर लेते हैं, तू कर लेगा तो गलत हो जाएगा क्या? ए, जो हो सकता है वो बोलना। अब तक जो नहीं किया वही करना होगा। अरे डायरेक्ट बोलना। किडनैप। ए, रुक जा, मैं एड्रेस पता करके आता हूँ। क्या कर रहा है रे तू? अरे भाई हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना वही नोट कर रहा हूँ ना, तो अपने छोटे दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत ले। हो गया क्या? रुक हो गया। इंक खत्म हो गया। इंक पेन नहीं है जो खत्म हो जाएगी, बॉल पेन है। ये कोई इंक पेन नहीं है जो अभी खत्म हो जाएगी, ये बॉल पेन है। क्या हुआ भाई? एड्रेस मिल गया है, चलो जल्दी चलो। लगता है भाई आप तेरी शादी पक्की है। तो दूर तक कोई दिख नहीं रहा है यार। एड्रेस तो यही है हाँ? पर लगता है कोई है नहीं। हाँ यार, बारात नहीं है, बाजा नहीं है, खाना भी नहीं है, लगता है जरूर शादी हो गई होगी। चलो सर कहीं और चलकर खाना खाते हैं। मुफ्त का खाना खाने के लिए आया है? नहीं यार, दारू पीने आए थे यहाँ। दारू के बारे में मत बोल। बोला ना मत बोल। कौन बात कर रहा है? क्या कर लेगा रे तू? क्या कर लेगा? चुप करो तुम लोग। क्या रे तुम लोग छोटे बच्चे की तरह लड़ रहे हो? और कुछ बड़ों की तरह सोचो जैसे मैं सोचता हूँ। तू अपने आप को बड़ा समझता है ना, जाके मैटर पता करके चल जा। मम्मी चल। अरे अब तक आया क्यों नहीं? हा? वापस क्यों आ गया? कहीं मार ना डाले इसलिए मैं डर के मारे यहाँ आ गया। अब क्या करें? मैं जाऊँ क्या? तू जाएगा? जा जा जा। शादी हो गई क्या? नहीं हुई है। तू मुझे शादी करेगा क्या? कहाँ फंस गया? अरे बाप रे, क्या हुआ बता तो सही। शादी करने को बोल रहा है, देखा आपने? लड़की नहीं काम वाली है यार। अबे तो पहले बोलना चाहिए था ना। रुको, अरे वहाँ से कोई तो आ रहा है। कितना मारते हैं मुझे। भाई साहब वो शादी। भाई मैं आपको क्या क्या बोलूं? क्या हुआ भाई साहब? भाई मैं अपने मुंह से ये बात कैसे कहूं? साले तू ये बोल रहा है कि तू अपने मुंह से बात नहीं कर सकता? चल जा यहाँ से। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई तू जा। मैं जब एक बार मैदान में उतर जाता हूँ चक्का मार के आता हूँ। भाई तू जिंदा मत कर, मैं भी जिंदा हूँ। तुम लोग वेट करो, मैं पता करके आता हूँ। अबे आया मैं। इस शादी का मुहूर्त कब है ये बताओ? तुम कौन हो? टेंट वाला हूँ सर। अरे आप कैसी शादी? 2 घंटे के अंदर शादी होने वाली थी। दुल्हन किसी को बताए बगैर किसी के साथ भाग गई। उधर सब सामने लड़के वाले शादी के लिए तैयार बैठे। अब उन्हें क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस लड़की ने क्या काम किया है देखो। जो गांव में सिर उठाकर चलता था आज सिर झुकाकर बैठा हुआ है। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, वो लड़की हाथ पकड़ के तेरे साथ फेरे लेने के लायक नहीं है यार। ये तो क्या बोल रहा है? सच यार, तेरी वो महालक्ष्मी अपने माँ बाप का हाथ छोड़ के, होने वाले पति का हाथ छोड़ के किसी और का हाथ पकड़ के रफू चक्कर हो गई। रफू चक्कर? ऐसा कैसे छोड़ के भाग जाएगी? कौन है उसका नाम बताओ, छोड़ूंगा नहीं। इतना उछलने कूदने की जरूरत नहीं है। तेरे सामने आ जाएगा तो क्या कर लेगा? तू तो उस लड़की से प्यार करता है पर वो किसी और को चाहती है। अरे एक गई तो क्या हुआ, हजारों आएंगी यार। मेरे भाई इन दोनों हाथों से मैं तेरी शादी करा के तुझे आशीर्वाद देना चाहता था। अपने गंदे हाथों से आशीर्वाद देगा? अरे यार बंद करो मारपीट। मेरी वजह से तुम लोग झगड़ा मत करो। मेरी किस्मत ही ऐसी है, लगता है मेरी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। एक ब्रांड नहीं तो दूसरा ब्रांड, एक लड़की नहीं तो दूसरी लड़की। तेरे ब्रांड के हिसाब से मैं लड़की सेट करूंगा। अभी इस वक्त मुझे महालक्ष्मी की फैमिली की इज्जत इंपॉर्टेंट लग रही है। पता नहीं ये बेचारे लड़के वालों को क्या बोलेंगे। हाँ मैं जाके देख के आता हूँ कि लड़के वाले क्या कर रहे हैं। एक पैक डाल के आऊंगा। हमने उसे इतना पढ़ाया लिखाया और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हाँ। मुहूर्त कब का है अंकल? अरे काहे का मुहूर्त, राहुकाल चालू हो गया है। क्या हो गया है अंकल? करोड़ रुपए दहेज में मिलेंगे सोचा था। अरे जब वो 3 महीने का तेरे पेट में था तो मैंने तुझसे कहा था ना कि ज्यादा टीवी मत देखा कर। अजी घर में नेट वगैरह है तो करंट का बिल तो आएगा ही ना। मेरे ऊपर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है। सिचुएशन बहुत बैड है बेटा, और 2 घंटे के अंदर शादी है। लड़की वाले वहाँ पर तैयारी करके बैठे हुए हैं और यहाँ पर वो किसी और के साथ भाग गई है। मेरा सगा बेटा किसी और के साथ भाग गया। अब कन्यादान करने वाला लड़की के माँ बाप को मैं कैसे जवाब दूंगा? अंकल अंकल जुबान से बोलो। थैंक्स बेटा, तू कहीं लड़की वालों की तरफ से तो नहीं है ना? नहीं नहीं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लड़की के बॉयफ्रेंड का क्लोज फ्रेंड हूँ मैं। क्या हुआ जी? अरे क्या हुआ? अरे यार वहाँ बहुत बड़ी बात हो गई। जो लड़की थी वो किसी और लड़के के साथ भाग गई और लड़का जो है किसी और लड़के के साथ। हाँ? दोनों सोच रहे हैं कि एक दूसरे को कैसे बताएं। बहुत बड़ी टेंशन हो गई यार। हाँ। तो अभी रुक जा। कुछ बोलना मत। हाँ हमें माफ कर दीजिए समधी जी, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। हमें भी माफ कर दीजिए समधी जी, मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। साहब जी कहो क्या हुआ हनुमान? सब गड़बड़ हो गया साहब जी, दूल्हा दुल्हन को लेके भाग गया साहब जी। जब 2 घंटे बाद शादी होनी थी तो दोनों को भागने की क्या जरूरत थी समधी जी? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। सुपर ट्विस्ट है, दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दूल्हा और दुल्हन दोनों मिलकर साथ में भाग गए। यार लड़की शादी के बाद भागती है या शादी से पहले भागती है, लेकिन ये शादी के दिन दूल्हे के साथ ही भागती है। सुन, जो लड़की ट्रेन में सफर के दौरान मिलती है ना, जरूरी नहीं कि वो तेरी हमसफर बन जाए। कोई बात नहीं, कोई और आ जाएगी। भाई एक पैक मार ले, सब कुछ भूल जाएगा। हे भाई ये सब भूल जाना। भूल जाओ करके तुम लोग क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो? हेलो जय, मैं महालक्ष्मी बोल रही हूँ। मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, तुम जल्दी से विनायक जी के मंदिर के पास आ जाओ प्लीज। कौन है भाई? महालक्ष्मी। ए चलो मेरे साथ। तुम लोग रुको, मैं आता हूँ। आ गए भाई, रुक। ये रहा। क्या रे? लड़की को लेके भागता है, लड़की को लेके भाग गया। तेरी तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, समझा? लड़की को भगा कर ले जाएगा, ऊपर से लड़की से फोन करवा। वो मुझे भगा कर नहीं लाया, मैं उसे भगा कर लाई हूँ। लड़की भगाने के लिए कहेगी तो तू भगा लेगा क्या? अरे रुक यार, आखिर हुआ क्या? ये क्या है पद्मा, तुम्हारी शादी को 7 साल हो गए, अब तक पेट से नहीं हुई? अरे इसके पति का पेट इतना बड़ा है तो ये पेट से कैसे होगी? महालक्ष्मी जी मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है आपसे। मुझे तो लगा था ये बहुत स्लो है, लेकिन ये तो सुपर फास्ट निकला। इन लोगों को प्राइवेट में बात करनी है। चलो निकलो यहाँ से। चलो जल्दी चलो। जी बोलिए। मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये क्या बोल रहे हो? सॉरी महालक्ष्मी, मैं अपनी क्लासमेट हसीना से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। शादी के 1 घंटे पहले ऐसा शौक दे रहे हो आप मुझे? एंगेजमेंट के दिन बताने की कोशिश की थी पर मैं आपसे बोल नहीं पाया। सॉरी महालक्ष्मी जी। उंगली पकड़ कर फेरे लेने वाले थे, अब हाथ पकड़ कर माफी मांग रहे हो, प्लीज छोड़ दीजिए। मुझे बोलने से अच्छा अपने माँ बाप से जाकर ये सब बोलो। बाप रे, माँ बाप को मैं बोल नहीं सकता। इंटरकास्ट लड़की की बात सुनकर मुझे जान से मार डालेंगे। तो जाकर मेरे घर वालों को बोल दो। मैं भला कैसे बोल सकता हूँ? तो फिर अब मैं क्या करूँ? कुछ भी करके आप मेरी शादी हसीना से करवा दीजिए। महालक्ष्मी जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज 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 मेरी मदद कीजिए महालक्ष्मी जी। ये पहले बता सकता था ना, बताने के लिए आपने गैप ही कहा। गैप निकालना पड़ता है, वो भी हम बताए क्या? दुखी मत हो यार, समझो तुम्हारी शादी हो गई। इतना आसान नहीं है जय, उस लड़की का बाप ओल्ड सिटी का डॉन है। वो चाहे डॉन हो या डॉन टू हो, मेरे दोस्त के आगे कुछ नहीं। खान की बेटी? अरे ये क्या बे, प्यार करने के लिए कोई और लड़की नहीं मिली तुझे? जाकर खान भाई से पंगा ले लिया। लड़की का बैकग्राउंड देखकर मैंने प्यार नहीं किया तो क्या देखकर प्यार किया? उस लड़की का दिल देखकर प्यार किया जी। तुम्हें प्यार नजर आ रहा है और हमें अपनी मौत दिख रही है। अरे हमारे लिए पुरानी बस्ती पहले से ही अनजान है, कौन सी गली कहाँ जाते हैं क्या पता। बाहर भी निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा भाई, छोटा दिमाग में ज्यादा जोर नहीं लगा सकता। ए कैसे फ्रेंड्स हो यार? फ्रेंड्स? हमें मिले 10 मिनट तो हो गए है ना। हाँ ये तो ठीक है। आइडिया, हम लोग प्लान करके चंदा लेने के लिए कादर भाई के यहाँ जाते हैं और वहाँ से आते वक्त कादर भाई की बेटी को भगा के ले आएंगे। अरे यार जो धंधा करता है वो बेचारा चंदा क्या देगा? हाँ एक काम करते हैं, जनसंख्या लिखने वाला बनकर गया तो कैसा रहेगा? जरा भी इधर उधर हुआ ना तो वोटर आईडी से हमारा नाम मिट जाएगा। तो फिर करें तो क्या? अरे टाइम देखकर मुहूर्त निकालकर अच्छा से जाएंगे। हेलो, तब तक फिर मैं कहाँ रहूंगी? मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हर छोटी छोटी बात पर झगड़ते हैं। उनका झगड़ा देखकर तुम लोग नहीं झगड़ोगे, खुश रहोगे। पर मैं कहाँ रहूंगा सर? मेरे घर वाले हर होटल और लॉज में ढूंढ रहे होंगे। कहीं और क्यों, हमारे साथ रहे। हाँ। हम लोग तो है ना, तो ये होटल तेरा ही समझ ले और हम लोग को अपना भाई समझ ले। प्यार और दोस्ती में सब कुछ जायज है। कोई बात नहीं, होटल में बर्तन साफ कर देना। सुन, तू महालक्ष्मी को लेकर जा, हम इसे देख लेंगे। ठीक है। सर टी, दूसरी बार टी लाया ना तो सर तोड़ दूंगा। चल भाग यहाँ से। सर कॉफी। ना ना नहीं चाहिए कॉफी। पापा बोला ना नहीं चाहिए। सर बूस्ट। बिजी हूँ, बूस्ट पीने का टाइम नहीं। भाग रहे सर, एनर्जी आएगी। बोला ना भाग रहे। बोला ना आपको नहीं, उनको। देखो ये पिक्चर कितनी अच्छी है ना। सर सर हॉर्लिक्स। एक काम कर रहा हूँ ना, दूसरा काम कैसे करूँगा? दिमाग नहीं है क्या? कॉमन सेंस नहीं है? सॉरी डार्लिंग, मुझे टी नहीं देगा। दे रहा हूँ ना सर, इधर लगा रख देना। काम करते हैं इसे। ये फोटो अच्छी। हसीना को दिलो जान से प्यार करता हूँ, इसलिए तुम लोग को झेल रहा हूँ। ऐसे कपड़ों में अगर तुम जाओगी तो मैं पिकनिक पे जा रही थी क्या? जो कपड़े लेकर आऊंगी भाग कर आई हूँ मैं, समझे? ये कैसा है? अच्छा नहीं है। ये देखो, ये कैसा है? मेरी या तुम्हारी पसंद से कुछ नहीं होगा। मम्मी पापा को पसंद आना चाहिए। तुम्हारी माँ को क्या पसंद है? मॉडर्न टाइप। और तुम्हारे पापा को? ट्रेडिशनल। मैं वहाँ देखती हूँ। डिजाइनर वेयर दिखाना, जरा वो दिखाना। ओके, ये ठीक है ना? ट्रायल कर लेती हूँ। जय, ये अच्छी है। जय, ये कैसी है? जय, ये कैसी है? जय, जय, तुम्हारे माँ बाप को इम्प्रेस करना था लेकिन तुम ही इम्प्रेस हो गए। वो बात नहीं है, एक्चुअली मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ। तुम मेरा बिल पे कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी नहीं हूँ। हाँ, घर जाते ही पूरे बिल का पैसा मैं मनी ऑर्डर से भेज दूंगी। इस महालक्ष्मी पे भरोसा करो और फिर चैन से रहो। चलो चलते हैं। जरा ठहरो, इधर तो। ए जय, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? पता नहीं मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में क्या बोलूं। मैं हूं ना तो टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे तुम हो इसीलिए तो टेंशन है। कुछ देर चुप रहो। माँ, आंटी, आंटी, मैं बुला रहा हूँ ना। पर आ कहाँ रही है? हाय माँ। हाय आंटी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। लगता है आजकल आप खूब डाइटिंग कर रही हैं, बहुत दुबली हो गई हैं। ऐसी बात नहीं है, आपके चेहरे की चमक तो बता रही है कि आप योगा भी करती हैं। नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। अच्छा, विश्वास नहीं होता। ये मेरी माँ है। आंटी इतनी स्लिम है, बिल्कुल ब्यूटी क्वीन है, किसी भी फिल्म के हीरोइन से कम नहीं है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आपकी शादी हो चुकी है और इतना बड़ा बेटा है आपका, कैसे विश्वास कर लो? क्यों, तुम्हें विश्वास होता है क्या? सामने है तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। ये लड़की कौन है बेटा? अरे आंटी, आपने मुझे नहीं पहचाना? चलो तुम ही बता दो। जय, अब कुछ बोलने के लिए तुमने कुछ बाकी रखा है क्या? माँ, असल में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये लड़की? पापा, वो मेरा दोस्त है ना महेश, वो राजमंड्री शिफ्ट हो गया है। ये उसकी बहन है और इसका एग्जाम है इसलिए यहाँ रुकेगी। अरे उसकी बहन कहाँ है और वो वहाँ कब से शिफ्ट हुआ? उम्र हो गई है आपकी, भूलने की बीमारी हो गई है आपको। चलो, मुझे तो भूलने की बीमारी है, लेकिन तुम्हें क्या है? मतलब मेरा बेटा झूठ बोल रहा है क्या? मतलब तुम्हारा पति झूठ बोल रहा है? आंटी अंकल बस कीजिए ना। आप दोनों मेरे लिए झगड़ा कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ही चली जाती हूँ। ठहरो बेटी, तुम अंदर जाओ। ये घर मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। सुन बेटा, जाकर इस लड़की को अपना रूम दिखा। थैंक्स आंटी, एग्जाम्स खत्म होते ही मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, रिजल्ट आने तक तुम यहीं रुकना, ठीक है? मैं देखती हूँ तुम्हें यहाँ से कौन निकालता है। इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, बेकार में शादी कर ली मैंने तुमसे। गलती तो मुझसे हो गई। 14 लाख रुपए दहेज दिए थे आपको। पैसे से ये घर मैंने तुम्हारे नाम पर खरीदा था। बड़े आए, मेरे ही पैसों से मुझे ही घर खरीद कर दिया आपने। क्या हुआ, चांद को देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही। कहीं लोरी गाने के लिए तो नहीं बोलोगी ना? तुम्हें गाना भी आता है क्या? डोंट वरी अरे रे बी हैप्पी, अरे रे डोंट वरी बी हैप्पी हैप्पी। मैं तो हैप्पी हूँ, लेकिन वहाँ मम्मी पापा बहुत टेंशन में होंगे ना। तुमने तो वही किया जो तुम्हारे दिल ने चाहा। कुछ दिनों बाद तुम्हारे माँ बाप तुम्हें समझ जाएंगे। सच में? हाँ सच में। बस एक बार ये शादी हो जाने दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत मत हारो। गुड नाइट। अंकल कॉफी। पेपर अंकल इधर रख दो बेटा। कॉफी बहुत अच्छी बनाई है तुमने। इस तरह सुबह सुबह कॉफी और पेपर, मेरी जिंदगी में इस तरह की सुबह कभी आई ही नहीं। थैंक्स बेटा। इतनी छोटी सी बात के लिए थैंक्स किस लिए अंकल? मैं? हाँ बाबा तुम खींचो। आंटी कॉफी। थैंक यू। तुम्हारी ड्रेस के साथ तुम्हारी हेयर स्टाइल मैच नहीं हो रही। मैं तुम्हें रेडी कर दूं बेटा? ओके चलो, come on, let's dance. कितनी सुंदर लग रही है, उससे चुड़ैल बना रही हो? आप चुप रहिए जी, वरना मानहानि का दावा कर दूंगी। मानहानि? हाँ। मानहानि किसे कहते हैं पता है तुम्हें? संस्कार से रहना ही इज्जत है। तुम्हारे पास संस्कार होगा तो इज्जत होगी। इज्जत के बारे में बड़ा जानते हैं आप। हाँ जी अंकल, आई एम वेरी सॉरी। अरे बेटा सॉरी मत बोलो, सॉरी तो इसे कहना चाहिए। लेकिन आप दोनों मेरी वजह से झगड़ रहे हो। अंकल आप जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं। घर में औरतों को ट्रेडिशनल रहना चाहिए, लेकिन बाहर अगर मॉडर्न रहे तो इसमें बुराई ही क्या है? वक्त के साथ हमें भी तो बदलना चाहिए। अच्छा आप जाकर तैयार हो जाइए, मैं आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। ब्रेकफास्ट तो कमाल का है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं खाता ही चला जाऊं और मुझे कोई रोके भी नहीं। कमाल है। अरे जय बेटा, ब्रेकफास्ट तैयार है। हाँ आया पिताजी। सच में बेटा तेरे हाथों में तो जादू है। तू जो भी करती है कमाल का करती है। अंकल अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी क्यों बेटी? 2 दिन और रुक जाती बेटा। अगली बार आऊंगी ना तो 2 दिन नहीं 2 साल के लिए रुकूंगी, ठीक है ना? ठीक है। आप दोनों के लिए स्मॉल गिफ्ट। गिफ्ट? अरे ये क्या कर रही हो? गिफ्ट तो हमें तुम्हें देना चाहिए और तुम दे रही हो। जब आप मेरे घर पर आएंगे ना तो आप दे देना, ठीक है? ठीक है ठीक है। ये क्या है साड़ी? एक बार तुम्हारी आंटी ये ड्रेस पहन ले किसी हीरोइन से कम नहीं लगेगी। और आपको क्या दिया है दिखाइए। रुको देखता हूँ। अरे बाप रे, जीन्स। अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ना बंद करेंगे तो आपकी जोड़ी राम सीता जैसी है। मैं चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहें और एक दूसरे से झगड़े नहीं बल्कि प्यार जताएं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद है हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। अब चलती हूँ आंटी। बाय अंकल। बाय 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 बेटी। बाय मम्मी, इसे संभाल कर ले जाना। हाय। गेट अप चेंज। तुम यहीं रुको, हम जाकर हसीना को ले आते हैं। ओके। ए, सारे नाम याद है ना? अबू सलीम, छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन। अरे भाई लादेन तो मर गया ना? ये भी अंदर जाएगा तो बचेगा नहीं भाई। मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का बे? मेरी तरह बहादुर बन के दिखाओ। सुनो, अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे बोलना, मैं संभाल लूंगा। इसको बोलूंगा। अरे मैं अंदर जाऊंगा तो किसी से क्या बात करूंगा? वो सब लोग तो भोजपुरी में बात करते हैं। तुझे तो भोजपुरी भी नहीं आती। भोजपुरी बोलनी है ना, मैंने PhD किया भोजपुरी में। हम बानी नो। चलो चलते, चलो। तेरे प्यार के चक्कर में लगता है हम सबकी जान जाएगी यार। हाँ? उस दिन क्या बोला था? तेरे प्यार के लिए हम अपनी जान देंगे। देंगे। हाँ। याद आया ना? अब चलो। इमोशन में आगे बोला था यार। ए, भोजपुरी तुझे आती है कि मुझे आती है? तू लगा वेलू जबल। कहाँ चाय तोरा के? चाय बना चाहिए। हम खान भाई से मिले अवेल बनी। वहाँ नाम का तू अपन नाम बोल रहे। बोल बच्चन। का काम बा? ले जाए हम ओके भगा के। तहरा का करे बाटे। चल अंदर बैठ। कौन जगह से आयल बा? छपरा एक्सप्रेस। कहाँ से आयल बड़ा तू सर लोग? हम हाई बाहुबली। अल्लाह, कौना गैंग के बाहो? गैंग्स ऑफ छपरा। ये तो भोजपुरी बहुत अच्छी बोलता है भाई। सलाम है। कितनी बार बोला भोजपुरी फिल्में देखो। हमारा दिमाग खराब मत करा। ससुरा बड़ा पैसा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, पटना से पाकिस्तान। मकरम शोएब अख्तर, कामरान अकमल, इंजमामुल हक, आसिफ। अरे बाप रे, ऐसा लगता है पूरी पाकिस्तान की टीम पुरानी बस्ती में ही है। ए हफीज, तोरा के हिंदी आवेला ना? एकरा से हिंदी में बात कर। ससुरा का बात करेला समझ में ना आवेला। अरे बाप रे, लगता है इसको हिंदी आती है। फिर तो हम फंस जाएंगे। ए बात करा, का बात करे कबा भाई? क्या है कि हम खान भाई से मिलने आए हैं। खान भाई तेरे जैसे भंगार वाले से नहीं मिलता। क्या बोला आपने? भंगार वाला बोला। हम यहाँ सीरियस बात कर रहे हो, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हमारा दिमाग खराब मत करो, समझे? दिमाग खराब कर रहा हूँ? तुझे समझा है क्या? मैं कौन हूँ पता नहीं है तुझे? खोपड़ी मत खिसका। सांबा और कालिया जैसे मत समझ। मेरा नाम है गब्बर सिंह। देखला अपन हाफिज कैसे हिंदी में बात करत बा। ए शाबाश बेटा। क्या बात है भाई, आप लोग तो बड़े टैलेंटेड निकले हैं भाई, मानना पड़ेगा। अच्छा भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, खान साहब के पास पहुँचा दो प्लीज। अगर हमें अपना प्लान कामयाब करना है ना, तो एक ही रास्ता है। तेरा राइट हैंड दिखाना। राइट हैंड में क्या है? ये तो दर्शन। अरे तू बिल्कुल भी मत डरना, मैं तेरे आसपास ही रहूंगा। अरे चेक कर रहा है कि पैंट खोल रहा है। हट ना टकले। अरे बाप रे। पैसा कहाँ बारे? काल दे दे। कब देबे? काल दे दे। कल दे देबे? देबे जरूर। ससुरा कल ना देवे तो के खत्म कर डाला। ससुरा पैसा लेता है, देता नहीं है। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। कौन है रे तुम लोग? क्या काम से आया है? अरे अंकल को हिंदी आती है, हिंदी आती है। अरे चुप। ए का देखत बाड़े रे? चल बोल, किस काम से आया है? भगवान के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं। भाई के पास क्यों आते हैं? काम से आते हैं। अरे छोटुआ, अपन जो धंधा के मेनू बना वो दिखाओ। हाँ दिखा दे लोगन के। मेनू क्या है? हाँ देख ले। दिखा दो इनको। सुनो, हाथ तोड़ने का 30,000, बाँह तोड़ने के 50,000, किडनैप करेंगे तो ₹1,00,000। अगर आदमी को रास्ते से हटाना है तो पूरे ₹5,00,000 लगेंगे। कोई डिस्काउंट नहीं है, फिक्स रेट है। तुम्हें सुपारी देनी है तो बोलो। अरे भैया को भी हिंदी आती है। पागल? अरे हम लोग के अंदर पागल कौन है? अंकल, हम लोग में से कोई पागल नहीं है। ए चुप बैठ खटमल, जिस काम से आया है वही बोल। किसी के पैर काटने हैं, हाथ काटने हैं, किडनैप करना है या फिर मर्डर करना है? भाई एक आदमी कम बा। वो तो बोला था कि वो यहीं रहेगा, लेकिन वो तो गायब हो गया। 1 2 3 4। अरे जब आए थे तब तो तुम लोग 5 थे ना, एक कहाँ चला गया? अरे यार क्या भाई, कौन से स्कूल में पढ़े थे? क्या आपको गिनती भी नहीं आती? मैं बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 पाँच बराबर। ना 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 ये क्या रे, मुझे भी गिन डाला। अब आप सामने खड़े हो तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसमें मेरी क्या गलती है। फिर से गिन देता हूँ, आप साइड में जाइए। बोल बोलो ना। हाँ बोल। एक दो तीन चार पाँच, हो गया। अरे वो बुड़बक के तुम, उसको क्या गिन लिया रे भाई। हाँ मैं समझ गया, आपकी गिनती में मैं नहीं आता हूँ ना। अरे चुप 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 चुप। अरे अब चल फिर से गिन, बराबर गिनना, बराबर गिनेंगे भाई। आप ध्यान से सुनिएगा, एक दो तीन चार पाँच। अरे ससुरा खान भाई से कॉमेडी करता है ससुर, भेजवा उड़ा दूंगा, समझ गया। कहाँ है रे पांचवा? मैं आनंद का फ्रेंड हूँ, आपको लाने के लिए मुझे भेजा गया है। मेरे आनंद ने आपको भेजा है, ये मैं कैसे मान लूं? लगता है अपने बाप पे गई है, कैसे यकीन दिलाऊं इसे। हाँ ये लो देखो। हाँ ये तो मेरा है, बचपन में जब मैं सेकंड क्लास में थी तब आनंद ने लाके मुझे दिया था। मत सुनाओ, चलो आओ। वहाँ तुम्हारे भाई के गुंडे खड़े हैं, तुम यही रहना, मेरे बोलने तक बाहर मत निकलना। एक दो तीन चार पाँच। अरे ये कब आ गया? हाँ अभी पांचवा नहीं है, पांचवा नहीं कहकर दिमाग चाट रहे थे, अब ये आ गया तो क्यों आया कहकर दिमाग चाट रहे हो। ठीक है ठीक है, क्यों आया हो रहे तुम लोग? किडनैप। कितना देगा? 10,000 देंगे। यहाँ क्या भंगार का धंधा करने आया है? तो चल चल। हाँ चलता हूँ ना। इस एरिया में क्या तू ही एक दादा है? हाँ। मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर रेट ज्यादा होगा, यहाँ पर मत जाओ। मैंने सही कहा था ना, तो यहाँ पर खड़े क्यों? चलो यहाँ से। सही है, सही चलो यहाँ। चलो आओ आओ, चलो जल्दी। भाई हसीना बेटी के लेके जरल पड़े, पकड़ ससुराल के। चलो चलो जल्दी चलो। महालक्ष्मी, अरे गाड़ी की चाबी कहाँ है यार? अबे तेरी तो चाबी। ए, तो गाड़ी और चाबी दोनों है। चलो चलो चलते हैं। हाँ अब तो ओके। अरे भाई पकड़ो मुझे। आजा आजा तुम भी आजा आजा। हाथ दे हाथ दे हाथ दो। अरे भगवान मुझे भी पड़ा करता। तेरी हम यहाँ इतने टेंशन में और तुम क्या कर रही हो? तुम्हें इमली बहुत पसंद है ना, वही लेने आई थी। चलो चलो। अरे देखत का बारे, चल गाड़ी चलाओ। चलो बैठ बैठ। अरे अरे वहाँ कहाँ जा रहा है? गाड़ी इधर है। अबे राइट पे। रुक। हवलदार कैच देम। हेलो बोल। अरे खान साहब के आदमी हम पे अटैक करने ही वाले हैं। अब मेरी बात कान खोल के सुन। क्या? हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम लोग यहाँ संभालो, मैं वहाँ देखता हूँ। देख लेंगे। आजा पुलिस। Ladies and gentlemen, boys and girls and all the fans. Here comes the power king, and we call him Gabbur Singh. नमस्ते साहब। मैं थोड़ा सनकी हूँ। हाँ, हिसाब बराबर लेता हूँ। तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या? हाँ 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 बाने साहब, आरटीओ ऑफिस में भूल गया हूँ, लेकर आ जाऊंगा। पोल्यूशन लाइसेंस है क्या? अरे बाहर इतना पोल्यूशन है, आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं साहब? गब्बर सिंह के धमकी तो हल बढ़े। ना ना, अरे क्या कर रहे हो साहब? तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, इसलिए तेरे गाड़ी की हवा निकाल रहा हूँ। अंदर दबंग वाली स्टाइल है मेरी। अंतर सिर्फ इतना है कि वो चश्मा पीछे लगाता है और मैं लगाता हूँ आगे। बाकी सब जो है ना अंकल, एकदम कार्बन कॉपी, सेम टू सेम। और एटीट्यूड वाले की गाड़ी की हवा निकालना, ये मेरा स्टाइल है। हाँ हाँ हा। यार ये पुलिस की एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। ये पुलिस ना नकली पुलिस है। हसीना बेटी को भगाने वाला गैंग का है ये। ऐसा है क्या? अरे पकड़ रहे ससुरा के। रुको रे, के बारे रे तू? मिर्ची मिर्ची। चुप रहा। तो कौन से खेत की मिर्ची है रे? तेरी लंबाई तो आधी उंगली भी नहीं है, ये कौन सी मिर्ची है रे? कान खोल के सुन ले मुझे, अगर गुस्सा आ जाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या है बे? मैकेनिक ने नट टाइट करना भूल गया था भाई। अरे चुप रे, इससे क्या बात करता है, काट डालो साले को। अगर मैंने हथियार चलाना शुरू कर दिया ना तो मुझे रोकने के लिए यहाँ कोई जिंदा नहीं रहेगा। लड़ाई झगड़ा करके किसी का भला हुआ है क्या? हम सब प्यार से मिल बांट के रहेंगे, आपस में दोस्ती कर लेते हैं, प्यार के बदले प्यार मिलेगा। दोस्त अपना हथियार दे दो दोस्त। सोच क्या रहो, निकालो। अरे हाँ दे दे भाई, दे दे, दे दो, यहाँ लो। बाय ड्यूड। अरे ऐसा लगता है इसको कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है? हम लोग में से कोई पागल नहीं है। हाँ। अरे पागल वो ड्यूड नहीं रे, दुश्मन। आप पकड़ ससुरा के, जाओ जल्दी। अरे यार, अरे हाथ दे दो। आओ आओ हाथ दे दो जल्दी। अरे भागा भागा, गाड़ी भागा जल्दी। भाई गाड़ी रेडी है, चल। वहाँ देखो, चल 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 जल्दी चलाओ रे। जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कौन से मंदिर में जाएंगे? अभी मंदिर में शादी करवाने का टाइम नहीं है हमारे पास। अब क्या करेंगे यार? यहीं पर शादी करवाएंगे। पर यहाँ शादी कैसे होगी जय? आइडिया, देखो कैसे प्लान चेंज करता हूँ। हेलो, जस्ट डायल। यस सर। राइट नाउ हम लोग पुरानी बस्ती के पास हैं। दो प्रेमियों की जल्दी से शादी करवानी है। किसी पंडित का नंबर है तो जल्दी से एसएमएस करेंगी क्या? ओके सर। थैंक यू। और तेज चला, तेज चला, चल। हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? भाई की लड़की किसी के साथ भाग गई, पकड़ने जा रहे हैं। अरे अरे अरे, TV9, Star TV, Live TV, सब में लाइव दिखाने को बोल। तेरी ऐसी की तैसी। भाई उनका गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हो? हाँ बोलो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। हाँ हाँ, तू बहुत जुबान लड़ाता है, तेरी औकात क्या है बे टिंगो? तुम लोगों को क्यों पाल कर रखा है मैंने? चल बात कर उससे। नालायक कहीं का। मेरे बारे में वो खामोश। ससुरा आप मेरे पे क्यों भड़क रहे हैं? उनको देखो जो भाग रहे हैं। देख लूंगा देख लूंगा। तुमने क्या लगा रखा है? फोन बंद कर। गाड़ी चलाओ चलाओ। देखा 10 नंबर आ गए हैं। बताओ किसको फोन करके बुलाना? नंबर दो। गाड़ी तेज चलाओ। हेलो हेलो, राम पांडे बात कर रहा हूँ। अरे पांडे हो, तिवारी हो, चौबे हो, शुक्ला हो, जो भी हो, जल्दी से यहाँ चल के आ जाओ यार। 1 करोड़ रुपया भी दोगे तो भी नहीं आऊँगा, फुल बिजी हूँ। क्यों भाई, बार में बैठे हो क्या? आपको कैसे पता कि मैं बार में बैठा हूँ? तेरी नस्ल का आदमी मैं भी हूँ, दारू की खुशबू सुन के ही बता देता हूँ। मैं जानता हूँ तू राम पांडे नहीं है, रम पांडे है। तुझे कितना भी बुलाऊंगा तू आएगा नहीं, तू वहीं मर। हेलो, गोपाल पंडित बात कर रहे हैं। पंडित जी मेरे फ्रेंड की शादी है। कब है? अभी है। अभी? अभी नहीं आ सकता। अरे 2 मिनट का समय निकालिए पंडित जी। अरे शादी है, कोई मैगी नहीं जो 2 मिनट में बन जाएगा। चल पीछा कर। अब तो सिर्फ एक ही पंडित का नंबर बचा है। हाँ ट्राई कर, हो सकता है किसी आसपास के बार में हो, ट्राई करके तो देख। आहा यजमान आया है। गणपति नारायण स्पीकिंग। स्वामी जी जल्दी से एक शादी करवानी है। हाँ हाँ, मंगल सूत्र से लेकर हवन सामग्री तक सारा इंतजाम मैं करूँगा, पर फीस डबल होगी। ट्रिपल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 10 मिनट में तुम्हें जगह बताऊंगा। पिकअप और ड्रॉप भी तुम्हें ही करना होगा। ठीक है ठीक है ना? डन हो गया भाई। भाई फोन। अरे किसका फोन है बे? हेलो सर, मैं ICICI बैंक से बोल रहा हूँ। अच्छा बोलो सर, आपको पर्सनल लोन चाहिए क्या? हाँ, बैल खरीदने के लिए लोन चाहिए। देगा? फोन रख ससुरा, पर्सनल लोन। अरे चला यार। हाँ, चला रहा हूँ ना। देखो पंडित जी आ गए। अरे बोलो पंडित जी, रुको रुको पंडित जी। अरे बाप रे, गाड़ी में ब्रेक लगाया तो ब्रेक लग गया। तुम लोग सेफ हो, मतलब मैं भी सेफ हूँ। पंडित जी आइए आइए। भाई पंडित को लॉरी में बैठा रहे हैं भाई। जल्दी चलाओ रे, जल्दी चलाओ। राइट ले। हाय, आई एम गणपति सन ऑफ सीतापति नियर तिरुपति। अरे कुछ भी हो, जल्दी शादी करवा दो। कुछ बोला तुमने? आप जल्दी से शादी करवाइए और इसे पति बना दीजिए। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो दोनों वरमालाएं पकड़ो, एक दूसरे को पहनाओ और एक्सचेंज कर लो। अरे पंडित जी क्या कर रहे हो? शादी इन दोनों की नहीं, इन दोनों की होने वाली है। मैं आनंद हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिंदू मुस्लिम भाई भाई सुना था, पति पत्नी कैसे हो सकते हैं? आप शादी करवा देंगे तो हो जाएंगे। नो 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 नो, हमारे खानदान में अब तक किसी ने इंटरकास्ट मैरिज नहीं करवाई है। ऊपर से भागे हुए लड़के लड़की की मैरिज तो नया। किसको भगा कर लाया है? हम लोग अरेंज मैरिज करवाए हैं। यकीन नहीं हो रहा है, जरा वहाँ देखिए। अरे नारे नारे, अरे पंडित ना। अरे वो कौन है जो हाथ हिला रहा है? हसीना के फादर है जो आपको हाई कर रहे हैं। आप भी हाई कीजिए ना। हाय हाय हाय। अरे रुक जाओ रुक जाओ। अरे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो रे, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ रे। देखा अभी आपको हाथ जोड़ रहे हैं। लगता है बहुत ही अच्छी फैमिली है। नमस्ते कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ। बस एक बार आप शादी करवा दीजिए, उसके बाद देखिए आप बहुत खातिरदारी करेंगे। अरे पंडित जी क्या? शादी हो जाने के बाद वो लोग आपको दोनों हाथ से देंगे। क्या देंगे? दक्षिणा देंगे पंडित जी। रुक जा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैं। शादी क्या करवानी, मंदिर या मैरिज हॉल में? इधर में शादी करवाओगे, वैरायटी रहेगी ना। अरे वाह भाई वाह, ट्रक में शादी, पीछे फैमिली फॉलो कर रही, क्या बात है। ये तो दुनिया में अलग तरह की शादी होगी, एकदम अजूबा। देखिए अरे रुको, अरे क्या कर रहे हो भाई? पंडित जी आपका बोलने का राइमिंग और टाइमिंग दोनों बहुत ही बढ़िया है। पंडित जी आप तो भविष्य में बहुत बड़े कवि बन सकते हैं। अरे मैं तुम लोगों को थैंक यू बोल रहा हूँ, कविता नहीं बोल रहा हूँ। आपकी टाइमिंग और राइमिंग सुन के लग रहा है शादी के बाद हम लोग महफिल जमाएंगे। महफिल में कवाली होगी तो मजा आ जाएगा। हम लोग करेंगे ना, एक बार शादी करवा दीजिए, फिर उठा के आपको हम लोग करेंगे कव्वाली। अब जो करना करते, बेटा तुम ये लो, बेटी तुम ये लो, और दोनों एक दूसरे के गले में माला डालो। भाई लगता है शादी करवा देंगे। माला एक्सचेंज करो भैया, वो माला पहनाने वाला है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षम। भाई लगता है शादी पूरी हो गई। चुप रहे, वहाँ मेरी इज्जत उछल रही है, तू कमेंट कर रहा है। हाँ अनेक दंत भक्त नाम ना एक दंत। अरे उधर चावल फेंको, अक्षत अक्षत। हाँ लड़की के पिता के हाथ में। अब लाओ, ये देखो ये मंगलसूत्र है, इसको गले में बांधो और पीछे 3 गांठ बांध देना। हाँ मंगलम तम तुनाने ना मम जीवनम ये तुना कंठे भगनानि शुभनम तंदे सृजांसिनम मंगल बेला में ये संपन्न। मेरी बेटी की शादी करवा रहा है साले। आज से आप दोनों पति पत्नी। शादी हो गई, गाड़ी रोक दे। शादी हो गई, मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? चलो रे। अरे उठो भाई। अरे वैरायटी बोला था, ये तो सिचुएशन में कुछ और ही नजर आ रहा है मुझे। पंडित जी अपने राइमिंग और टाइमिंग पर काबू रखिए। अब्बा जान उनकी गलती कुछ भी नहीं है, छोड़ दो अब्बा जान। हाँ मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू इसको छोड़ देगी तो। एक बार जब कोई लड़की किसी को अपना दिल दे देती है तब मरते दम तक उसका साथ देती है। अरे चुप, खानदान के इज्जत माटे में मिला के बात करत पड़े। तू आज से मेरी बेटी नहीं है। चुप। शायद आपको बेटी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारी बहन है। मेरे खानदान के इज्जत को आज तूने रोड पर लाकर खड़ा कर दिया और मैं तुझे छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं। खान दादा से पंगा लेकर तूने गलती कर दी है। मेरा भी यही मानना है अंकल, जरा वहां देखिए। क्या रे तुम लोग हाथों में हथियार लेके घूमता है, खुद को सियाना समझता है क्या? मरना है क्या तुम लोग को? एनकाउंटर कर डालूंगा। डीजीपी रामचंद्र हियर। भाई सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर हैं एक्टर। वाह एक्टर। मेरे सामने पुलिस की एक्टिंग कर रहा है ससुर। अरे तेरी इतनी हिम्मत, पुलिस के ऊपर हाथ उठाता है। ए ले चलो रे इसको। अरे बाप रे, तो सच में पुलिस है। ए चलो रे, निकलो। ससुरा तोरा के ना छोड़ा रे, याद रखा। हाँ पंडित जी। हाँ बोलो पुत्र। ये रख लीजिए। अरे रहने दो बेटा। हाँ? बहुत सी शादियाँ पैसों के लिए की, लेकिन इस शादी को करवा के मुझे बहुत अलग खुशी मिली, इसलिए रहने दो। लेकिन फिर भी रख लीजिए। चलो फिर चलता हूँ मैं। जाइए जाइए, जल्दी से दूसरी शादी करवानी है आपको। मैं जरा फोन कर लेता हूँ। हेलो बनी टूर्स एंड ट्रेवल्स, या जस्ट मैरिड कपल के लिए एक हनीमून पैकेज चाहिए, वो भी आज ही चाहिए। रूम और बेड अच्छा होना चाहिए। अरे क्या हुआ, मुस्कुराओ ना यार, मुस्कुराओ। ए, अगर तुम मुस्कुराओगी नहीं तो वो हंसेगा कैसे? थैंक यू जय, थैंक यू महालक्ष्मी जी। अगर आप लोग नहीं होते तो ये शादी नहीं हो पाती। थैंक यू भैया। ओके, हैप्पी मैरिड लाइफ। बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय। तू चल मेरे साथ, इधर इधर। हाँ क्या है, बोलना। देख अभी सही टाइम है, हिम्मत करके महालक्ष्मी को दिल की बात बोल डाल। ये बोले इससे पहले तू जाकर उसे बोल डाल जा। हाँ जय, अगर तुम नहीं होते तो ये शादी भी नहीं होती। अपनी जान पर खेलकर तुमने ये शादी करवाई। महालक्ष्मी की जुबान रख ली तुमने। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं दूंगी। जो मांगूंगा वो दोगी। महालक्ष्मी ने एक बार कमिटमेंट कर दी, समझौता कर दी। तुम्हारा डर मुझे दे दो। तुम्हारे जिन हाथों ने मदद की है वो हाथ किसी और की तरफ नहीं बढ़ने चाहिए। हमेशा सबको खुश रखने वाली और खुश रहने वाली महालक्ष्मी कभी दुखी ना हो। उसे हिम्मत और धीरज से रहना है। ये वादा करूं मुझसे? महालक्ष्मी, इससे तो मैं बात करूंगी। क्या यार, जब उसने हाथ पे हाथ रख दिया था तो उसे पकड़ के रखना चाहिए था ना। हमने क्या बोला था, तूने क्या बोल दिया? कितनी बार बोला बोल डाल बोल डाल, और तू एक बार भी अभी तक नहीं बोल पाया। सुन, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, फोन करके उसे बोल दे। ए, हमारा प्यार किसी सोशल साइट पर नहीं हुआ था जो मोबाइल पर कंफर्म होगा। फोन पर नहीं बोलता, मोबाइल पर नहीं बोलता, सामने रहती है तो नहीं बोलता। तेरे प्यार में और मेरे प्यार में बहुत फर्क है यार। अगर मैं सच में महालक्ष्मी के दिल में हूं तो मेरा प्यार भी उसे सच में पता चल ही जाएगा। अरे ये कोई फिल्मी सीन नहीं है यार, जाके उसे अपने दिल की बात बोल दे। देख भाई, बाद में पछताने वाला काम मत कर। जय, अगर तू महालक्ष्मी को अभी भी दिल की बात नहीं बोल पाएगा तो हम तो तेरे साथ रहेंगे, पर महालक्ष्मी नहीं होगी। अरे जय, कांग्रेट्स, तुझे कोलकाता में बहुत अच्छी जॉब मिली है। बेटा आज ही निकलना होगा और कल ही जॉब ज्वाइन करना होगा। सॉरी मम्मी, मैं राजमंड्री जा रहा हूँ। ये क्या कह रहा है तू? 1 लाख रुपए की जॉब छोड़कर तू राजमंड्री जा रहा है? आप दोनों सिर्फ सैलरी के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ। महालक्ष्मी से मैंने सच्चे दिल से प्यार किया है, वही बात उससे कहने के लिए मैं राजमंड्री जा रहा हूँ। बेटा सुन तो, मेरी बात तो सुन। महालक्ष्मी सुनो बेटी, ग्लास ऊपर करो, इसे पानी से बहुत डर लगता है। अब मुझे पानी से बिल्कुल डर नहीं लगता माँ, मैंने अपने सारे डर जय को दे दिए। देखो कैसे मुंह उठा के आ गई। कितनी बेशर्म लड़की है, घर वालों ने कैसे संस्कार दिए होंगे इसे। बेटा जिस दिन से तुम भाग गई थी ना, कैसी कैसी बातें सुनने को पड़ी हैं। चलो अंदर। मुझे माफ कर दीजिए पापा। जो होना था वो हो गया, आप छोड़िए। इसने जानबूझकर गलती नहीं की। अब अगर हम लोग जानबूझकर गलती करेंगे तो कैसे चलेगा? आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे मारिए, मुझे डांटिए, मगर इस तरह चुप रहकर मुझे सजा मत दीजिए। पापा मुझसे बात कीजिए, पापा प्लीज। बेटी जब से तू चली गई थी ना, तेरे जाने के बाद तेरे पिताजी ने किसी से बात तक नहीं की, एक गिलास पानी तक नहीं पिया बेटा उन्होंने। ये सब क्या है पापा? जो गलती मैंने की है उसकी सजा आपको क्यों मिले? मुझसे बात कीजिए पापा प्लीज। पापा आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। पापा प्लीज पापा बात। बेटी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हारे पिताजी सर उठाकर किसी से बात नहीं कर सकते। इतना सब होने के बाद अब इससे शादी कौन करेगा बताओ? मेरा बेटा नहीं है क्या? अगर सुख दुख में काम नहीं आएंगे तो फिर ये रिश्तेदारी दोस्ती किस काम की? मेरे बेटे के साथ आपकी बेटी शादी करने के लिए तैयार है कि नहीं ये आप ही जान लीजिए। चलता हूँ बहन, चलता हूँ जिया जी। साले साहब आपके बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा, मैं आपको यह जुबान देता हूं। आप तो जुबान दे रहे हैं, पर आपकी बेटी फिर से किसी के साथ भाग गई तो? अगर इस बार मेरी इज्जत फिर से चली गई तो मेरी जान पहले जाएगी। हमेशा खुल के जीने का, ज्यादा नहीं सोचने का। डोंट वरी, हैप्पी हैप्पी वी हैप्पी। फोन। हाय महालक्ष्मी। जय, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पहला कॉल मैं तुम्हें ही कर रही हूँ। मेरी शादी फिक्स हो गई है। 2 दिन के बाद राजमंड्री में मेरे पापा के दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी है। अपने मम्मी पापा और सारे दोस्तों को लेकर वहाँ जरूर आना, ठीक है? रखती हूँ, बाय। हमारा बेटा बहुत लकी है। देखिए वो आ गया। अरे जय, राजमंड्री जाने की तुम्हारी टिकट कंफर्म हो गई। मैं कोलकाता जा रहा हूँ पापा। अरे बेटा, महालक्ष्मी से प्यार करके तो। प्यार करने से कुछ नहीं होता माँ, लक भी तो होना चाहिए। बेटा तू बहुत लकी है। लक दो होते हैं पापा, एक बैड लक और एक गुड लक। मेरे पास दोनों हैं। जय ये रुक। हेलो धनराज, सुन। बोलिए अंकल। जय कोलकाता जाने के लिए निकल गया। की बदलाव के लिए एक पर आ रही है। अरे खान भाई, आपको जेल में रख सके ऐसा कोई कानून बना ही नहीं। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। क्यों रे, इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं? भाई आनंद और हसीना की सुहागरात हो गई है भाई। ए, 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 मैं अपनी बेटी की इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ससुर मेरा दुश्मन, दुश्मन की बात कर रहा हूँ मैं। दुश्मन की इन्फॉर्मेशन चाहिए? मेरी इनकमिंग बंद है, इसकी आउटगोइंग बंद है, उसके फोन में कभी बैलेंस ही नहीं रहता है और इसकी फोन की बैटरी डाउन रहती है और इस टकले का नेटवर्क पकड़ता ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी भाई? ये बात तू पहले भी बता सकता था। अरे कैसे बता सकते थे, आप तो जेल के अंदर थे ना भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, वो जय जहाँ भी होगा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। उस जय की मौत खुदा के हाथ में नहीं है रे, इस खान दादा के हाथों में है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जब देखो दोनों मिलके मस्ती करती रहती हैं। इसे लो, इसके ऊपर 100 बार जय श्री राम लिखो। ये सब किस लिए माँ? क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी राम सीता की तरह बनी रहे इसलिए मैंने भगवान श्री राम से मन्नत मांगी थी। तू क्या कर रही है? चल मेरे साथ आजा, चल चल ना। अस्य श्री राम रक्षा स्रोत मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीताराम चंद्रो देवता अनुष्टुप छंद सीता शक्ति श्रीमद हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोग है। सभी अपने अपने कागज इस पे रख दें। ध्यानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिललोच्चनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं धत्। ये किसने लिखा है? मैंने लिखा है। क्या बात है पंडित जी? सभी ने जय श्री राम लिखा है और तुमने सिर्फ जय जय लिखी है बेटा। लाइए पंडित जी, मैं फिर से लिख देती हूँ। कोई बात नहीं, जय हो या जय श्री राम दोनों भगवान की स्तुति है बेटा। चरितम रघुनाथस्यम शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसम महापातकनाशनम। अब सभी अपने अपने अक्षर भगवान को समर्पित करें। आप जैसे प्यार करती हो ना दीदी। पागल हो गई है क्या तू? मैं जैसे क्यों प्यार करूंगी? तो भगवान का नाम ना लिखकर इसमें जय का नाम क्यों लिखा है बताओ? ये प्यार नहीं तो और क्या है? होने वाली दुल्हन को बाहर लेकर आओ। और कितना टाइम लगाओगे इसे तैयार करने में? घर में दूसरे काम नहीं है क्या? और देखो बाहर लड़के वाले भी आ गए हैं। चलो जल्दी करो बाहर आओ। चलो चलो बेटा, जल्दी से आना। हाँ माँ, क्या हुआ? आपसे एक बात पूछूं, मैं जवाब देंगी? लड़की को कैसे लड़के से शादी करनी चाहिए कि शादी के बाद वो जिंदगी भर खुश रह सके? जवाब दो माँ। लड़के को समझने के लिए उसके अंदर एक माँ हो, जिंदगी को चलाने के लिए उसके अंदर एक बाप हो, सुख दुख में वो तुम्हारा दोस्त बनके रहे और अपनी जान से भी ज्यादा वो तुझसे प्यार करे। दोनों के बीच ऐसा रिश्ता होना चाहिए। महालक्ष्मी, कहाँ जा रही हो? महालक्ष्मी यहाँ आओ बेटा। ये लीजिए पंडित जी। और कुछ चाहिए आपको? बस आगे की तैयारियां शुरू करो आप। ठीक है। मैं जैसे बहुत प्यार करती हूँ, पर क्या वो भी मुझसे प्यार करता है? क्या उसके दिल में मेरे लिए जगह है? अगर है तो बारिश होगी। महालक्ष्मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? क्या मैं महालक्ष्मी के दिल में हूँ? अगर सच में महालक्ष्मी मुझसे प्यार करती है तो बारिश गिरेगी। ऐसे इतना प्यार करती हो तो इतने दिन तक उन्हें कुछ बताया क्यों नहीं? अपने दिल से ना पूछकर उस बारिश से क्यों पूछ रही हो? देखो दीदी, बारिश खत्म होने से पहले आप जैसे जाकर मिल लो दीदी, प्लीज मिल लो। एक बार मैं अपनी शादी से भागकर गलती कर चुकी हूँ। पापा मुझसे कितने दुखी हो गए थे। पापा फिर से सर उठाकर जीने लगे हैं, इसलिए महालक्ष्मी ने सर झुका लिया है। आप पागल हो गई हो दीदी। कोई किसी से प्यार करता हो ये बोलकर आपने अपनी शादी तोड़वाकर उसकी शादी करा दी और अब अपने प्यार के लिए कुछ नहीं कर रही हो। अगर आप अभी नहीं गई तो आप जिंदगी भर पछताएंगी दीदी। जाओ दीदी। I love you, Mahalakshmi. I love you, Jay. बेटी की इंटरकास्ट मैरिज करवाकर तूने बहुत अच्छा किया बेटा, अच्छा। थैंक यू सो मच। वो क्या है कि मेरी पार्टी वाले ये समझते हैं कि ये शादी करवाकर हाई कमान ने मुझे एमपी का टिकट दे दिया है। क्या खुशी की बात है। चलोगी ना बेटी? अरे तुम लोग क्या देख रहे हो भाई, पार्टी कार्यालय चलते हैं, पार्टी का बहुत सारा काम बाकी है। चलो चलो भाई पार्टी कार्यालय चलो, पार्टी कार्यालय फिर मिल जाएगी। आप ये शादी नहीं कर सकती। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। पापा। रो मत बेटा। बेटी महालक्ष्मी ये क्या कर रही हो? मेरी इज्जत की खातिर तुम अपने प्यार को दांव पर लगा रही हो। दो दुश्मन जैसे साथ में नहीं जी सकते, वैसे ही दो प्रेमी जुदा होकर नहीं जी सकते। मैं तुम दोनों को अलग करके तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता बेटा। जा बेटा, मेरी चिंता मत कर, तू अपने जय के पास चली जा। जा बेटा। पापा। खुश रहो। जीजा जी, आपने कोई गलती नहीं की। आपने दो प्यार करने वालों को मिला दिया है ना जीजा जी, बहुत अच्छा काम किया। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इस बार तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ये खान साहब फिर से क्यों आ गए यार? खान साहब को एमपी की टिकट मिल गई बोल के छोटा सा नाटक किया था। लगता उन्हें सच्चाई पता चल गई। चलो भागो यहाँ से। अरे भाग यार। अरे चलो चलो जल्दी।